वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनकेएल ब्लॉग्स में। तो आज हो चुकी एक तारीख और आज है गणपति विसर्जन। तो आज हम सुबह, अभी टाइम हो रहा है 7:30 हो रहा है, तो आज सुबह सुबह का मुहूर्त था। तो हम सुबह विसर्जन के लिए जा रहे हैं और अभी फटाफट मेरे पीछे मौसम देखो, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है। ये देखो यार, अगर दिख रहा हो तो हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। मौसम हो रहा है यार, ऊपर देखो बादल और हल्की हल्की बिल्कुल बारिश पड़ रही है, दिख भी नहीं रही होगी मेरे सामने। तो अब फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि अजमेर में विसर्जन कहाँ होता है, कैसे होता है। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस सीरीज के, जाके फर्स्ट पार्ट देखो फटाफट से। और चलो यार अपन ये पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, देखो कि यहाँ पे विसर्जन होता है। देखो वो वहाँ से मेन एंट्री है, वैसे हर साल बहुत लोग होते हैं, अभी तो लोग ही नहीं है। ये देखो ये यहाँ पे अंदर विसर्जन होगा, वो वहाँ से एंट्री है। ये पूरा बड़ा ग्राउंड है, वैसे बहुत लोग होते हैं, इस साल कोई भी नहीं है। देखो भाई यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहीं पे विसर्जन होता है। भाई ना आ रहा है अपना, एक ये पूरा बना हुआ है। वैसे वहाँ पे आगे खड़े होकर विसर्जन करते थे, पर इस बार कुछ भी नहीं है। इस बार तो यहाँ से एंट्री दे रहे हैं एक एक को, वैसे वहाँ से भी जाते थे सब जा रहे हैं। तो भाई अभी हमने विसर्जन कर लिया है, देखो यहाँ पे पीछे अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ऐसी विसर्जन होता है हर साल। अभी हम जा रहे हैं घर पे, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ पे क्या होता है। पूजा वूजा करके फिर वहाँ पे विसर्जन कर देते हैं। देखो और भी लोग आ रहे हैं, पहले हर साल यहाँ पे बहुत फुल भर रहता था। इमेजिन नहीं करोगे, ये पूरा डैम, ये पूरा सामने वहाँ ये फुल भरा रहता था। इस साल बहुत ही कम लोग हैं, सब ने ज़्यादातर गर्मी किया है, बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं। यो गाइस, मैं आ चुका हूँ घर पे और फिलहाल हो चुका है अगला दिन। तो देखा आपने यहाँ पे विसर्जन अजमेर में ऐसा ही होता है। यहाँ पे पटेल मैदान है, वहाँ पे आर्टिफिशियल पॉन्ड बना के वहीं पे विसर्जन होता है। मुंबई वगैरह में तो चौपाटी वगैरह होती है, वहाँ तो सही विसर्जन होता है, यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। पर आपने देखा इस साल कितने कम लोग थे हम गए विसर्जन करने। वैसे जहाँ पे हम चले ना वहाँ पे फुल भरा पड़ रहता है। कार हमारी इस बार तो अंदर चली गई थी, पर वैसे जब हम जाते थे ना हर साल फुल भीड़ होती थी अंदर, मतलब बाइक ले जाने की जगह नहीं होती थी। इस बार हमारी कार अंदर चली गई थी, फुल रोड भरा पड़ रहा था, अंदर फुल रश होता था और चारों तरफ से पॉन्ड के विसर्जन होते थे। पर इस बार सिर्फ इस साइड से ही विसर्जन हो रहे थे, आगे आगे से जैसा मैंने आपको दिखाया, और बहुत कम लोग थे, बहुत ही आधे से ज़्यादा लोगों ने छोटे रखे थे और घर पे ही कर लिए थे। और जिन्होंने करे थे बड़े थोड़े इतने से थे, हमारा तो सबसे बड़ा हमारा ही था, हम विसर्जन करने गए थे तो इतना बड़ा मेरे को किसी का तो दिखा नहीं। अब आए हो तो पता नहीं,
जिन्होंने रखे थे वो वहाँ पे विसर्जन करने आए थे। और कोरोना की वजह से भी बहुत, इस बार कोरोना ने सारे फेस्टिवल्स की वाट लगा दी है। तो देखा आपने यार किस तरह से ऐसा हुआ। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन तो जरूर से दबा देना। और कमेंट में जाके यार थोड़े सजेशन दो कि मैं और क्या टाइप की वीडियोज बना सकता हूँ। मैं कॉन्टेंट को लेकर पागल हो गया और मेरे को भी वीडियोज़ नहीं मिल रही बनाने को यार। तो थोड़ा कमेंट में जाके मेरे को बताओ कि मैं और किस टाइप की वीडियोज़ बना सकता हूँ। तो चलो यार फटाफट से हम आपको मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।